हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बना रखा है ताकि आप डिप्सलू के एडमिशन के बारे में जान सके, उनके सीटें के बारे में जान सके, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के बारे में जान सके और कितने कोर्स पे एडमिशन हो रहा है वो भी आप जान सके। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट एंड ओनली फार्मेसी यूनिवर्सिटी इन इंडिया, थर्ड इन द वर्ल्ड। तो देखते हैं, देखिए कि जो जीपैट का इस साल जो आया है रैंक, फर्स्ट रैंक, वो हमारे ही कॉलेज से आया है, डिप्सार कॉलेज से आया है। और टोटल आप देख सकते हैं 70 स्टूडेंट क्वालिफाइड है इन जीपैट में। ये तो काफ़ी अच्छा है ये डिप्सार। तो अभी हम प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के बारे में बात करते हैं और उनके ड्यूरेशन, नंबर सीट और एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहते हैं और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। डी फार्मा देखिए 2 साल का है और एक सीटें हैं 120, और बी फार्मा 4 ईयर्स का है, 160 सीट है। और बी फार्मा आयुर्वेद 4 ईयर का है, उसमें 40 सीट हैं। तो और लेटरल एंट्री के लिए बी फार्मा 3 ईयर्स का है और नंबर ऑफ़ सीट 16 है। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन भी देख सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है एडमिशन लेने पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए एम फार्मा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, क्लिनिकल रिसर्च, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कॉस्मेटिक्स, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। इन सब का आप ड्यूरेशन देख सकते हैं, 2 साल का है, और नंबर ऑफ सीट भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये सब मेंशन किया गया है। एलिजिबिलिटी भी आप देख सकते हैं, बी फार्मा डिग्री फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय PCI, नॉट लेस देन 655%, और GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ GPAT स्कोर। यहाँ पे आप पूरा अपना डिटेल देख सकते हैं। ये देखिए एम फार्मा ड्रग रेगुलेटरी साइंस, ये PG डिप्लोमा इन प्लांट टिश्यू कल्चर, ये सब आप देख सकते हैं। इनका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडमिशन ओपन होगा फ्रॉम 11 जुलाई 2022। तो आप वेबसाइट पे टाइम टू टाइम विज़िट करते रहिए ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, और जैसे ही फॉर्म निकले आप उसको फिल कर सकें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं और भी प्रोग्राम के बारे में, जैसे BPT, BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग नया कोर्स आया है इसी साल, तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी है कि एडमिशन हो जाए सभी का। तो आप ट्राई कीजिए जिसको इस कोर्स में इंटरेस्टेड है जो भी। तो ड्यूरेशन आप देख सकते हैं BPT का 4.5 ईयर्स है, BSc नर्सिंग का 4 ईयर है। नंबर ऑफ़ सीटें भी आप देख सकते हैं 50 और 40 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं DMLT, BMLT, BSc इन स्पोर्ट्स साइंस, BSc बायोमेडिकल साइंस, ये भी नया कोर्स आया है बायोमेडिकल साइंस, ये भी आप देख सकते हैं ड्यूरेशन, नंबर ऑफ सीट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। आगे का देखते हैं और भी प्रोग्राम, जैसे मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन, MSc स्पोर्ट्स साइंस, ये सब आप देख सकते हैं। ड्यूरेशन भी इसका 2 साल, नंबर ऑफ सीट और एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन फॉर एडमिशन क्राइटेरिया पूरा। अब आगे और भी देखते हैं, जैसे BBA हेल्थ केयर, MBN फार्मा, ये सब आप देख सकते हैं, इनका ईयर ड्यूरेशन, नंबर ऑफ सीट, ये देखिए एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया फॉर एडमिशन देख सकते हैं ये पूरा। फिर देखिए मेडिकल, मेडिसिन मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स असिस्मेंट एंड योगा एप्लीकेशन, ब्यूटी वेलनेस कंसल्टेंट, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस एंड इट्स एप्लीकेशन, इन सब का सर्टिफिकेट कोर्स है ये देखिए, नंबर ऑफ सीट, ड्यूरेशन,
एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, ये सब आप देख सकते हैं। इसका एडमिशन ओपन होगा फ्रॉम 11th जुलाई। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एडमिशन होगा स्टार्ट ओपन फ्रॉम 11th जुलाई। तो चलिए गाइस, थैंक्स। ये वीडियो मेरा बनाने का मेन मोटिव था ताकि आप इसके बारे में जान सकें और अप्लाई कर सकें वेबसाइट पे जाके डिप्सरू की। तो थैंक यू गाइस, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।